और चलिए अब बात होगी छठ महापर्व पर सियासत की। दरअसल छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में सियासत गर्म है। आस्था के इस पर्व पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ यमुना मैली है तो दूसरी तरफ घाटों की सफाई को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी छठ पर्व को लेकर आमने सामने है और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आस्था के पर्व पर आखिर सियासत क्यों हो रही है और मैली यमुना में आखिर छठ कैसे मनाएंगे। ये दो तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि लगातार इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है। छठ पर्व को लेकर राजनीति गर्म है दिल्ली में। छठ पूजा पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है, बीजेपी ने छठी मैया की पूजा को रोका, ये आरोप संजय सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं। छठी मैया के भक्त बीजेपी को इसका जवाब देंगे। एक इनके बीजेपी के पार्षद ने छठी मैया का घाट तोड़ा था और अब डीडीए कह रहा है छठ पूजा के लिए अब घाट नहीं बना सकते। ये तो खुलेआम देख लीजिए, वो जमीन किसकी है? डीडीए की है। डीडीए मतलब कौन? वसूली करने वाली भाजपा। यूपी, बिहार, उत्तर भारतीयों, पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ का पर्व। आप वो पूजा करने से रोक रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपा ही अपनी मानसिकता से पूर्वांचलियों के खिलाफ है। अब बीजेपी शासित डीडीए है, वो वहां पे छठी मैया का घाट नहीं बनने दे रहा है। तो देखिए महापर्व की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले सियासत दिल्ली में गर्म है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान होंगे और ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट होंगे। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है और रिया चिराग दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेघा उपाध्याय कालिंदी कुंज से हमारे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले रिया मैं आपके पास आऊंगी, उसके पास मेहमानों के बाद के पास मैं जाऊंगी। सबसे पहले रिया आप ये समझाइए कि जो पूरा मसला खड़ा हुआ है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे पास परमिशन है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे पास परमिशन है, आप बिल्कुल सच वहां से दिखाइए कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए बिल्कुल यहां पर कल शाम से ही जो सियासी घमासान है वो जारी था, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। अभी भी पुलिस बल आपको नजर आएगा, ये सतपुला ग्राउंड है और यहां पर एक और ध्यान देने वाली बात, आपको बाहर ही आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं कृष्ण जाखड़ वो बैठे हुए नजर आएंगे। अब ये पूरा मामला क्या है जिस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर पिछले कुछ सालों से दो घाट बनते हुए आ रहे हैं, जिसमें से एक घाट जनसेवा समिति बनाती है और एक घाट छठ पूजा समिति बनाती है। तो कल ये पूरा मामला ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज यहां पर मौजूद थे और बीजेपी की तरफ से शिखा राय यहां पर मौजूद थी। दोनों एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अड़चन डाल रही है ऐसा बीजेपी कह रही है और बीजेपी अड़चन डाल रही है ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। अब जनसेवा समिति की जो परमिशन शिखा राय ने, एबीपी न्यूज ने जब उनसे बात की तो उन्होंने हमें परमिशन दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि उनके पास डीडीए से दी गई परमिशन है इस ग्राउंड पर घाट बनाने की। हालांकि जब हमने छठ पूजा समिति से बात की तो उन्होंने भी हमें परमिशन दिखाई थी, लेकिन इनके पास जो परमिशन है वो डीएम ने जो लिस्ट दी है कि कहां पर दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाट बनेंगे वो लिस्ट दी है। तो देखिए ये जो परमिशन है ये डीएम की परमिशन दोनों के पास है, लेकिन डीडीए की परमिशन केवल जनसेवा समिति के पास है। इसलिए कल शाम ये हुआ कि यहां पर ठीक है, ये पूरा मामला हमने आपसे समझा, मैं लौटूंगी आपके पास।